वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस की। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इसका इमेज तो और भी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। वो इमेज होगा वो मैं सेकंड वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वायरस होता है, उसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर, है ना। तो ये बेसिकली टू डिस्टिंक्ट सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। चिकन पॉक्स कॉज करता है कब, बच्चे में, है ना। और चिकन पॉक्स कॉज करने के बाद जो गैंग्लिया होता है ना नर्व का, वहाँ पे जाके आराम से रेस्ट करते रहता है, ठीक है। और जैसे देखता है ना क्या बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, और उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो रही है ना, किसी भी चांस या एल्डर हो गया या किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम हुई, तो फिर से वो रीएक्टिवेट हो जाता है ना। और जिस गैंग्लियन में वो रहता है, ठीक है, दैट इज़ गैसेरियन गैंग्लियन, ठीक है, वहाँ से फिर क्या करता है, ट्रेवल करना स्टार्ट करता है वापस पेरीफेरी में, जहाँ जहाँ तक नर्व का इन्वॉल्वमेंट, और फिर से है ना वो डिजीज काउज कर रहा था, दैट इज कॉल्ड हर्पिस जोस्टर, ठीक है। तो बेसिकली वेरिसेला जोस्टर एक वायरस है जो टू डिस्टिंक्ट सिंड्रोम कराता है। बचपन में ये चिकन पॉक्स कराता है, और एक बार वो फिर से जब उसका रिएक्टिवेशन हो जाता है ना लेटेंट इन्फेक्शन का, तो वो हर्पिस जोस्टर कराता है, ठीक है। वेन पेशेंट विथ हर्पिस जोस्टर, जब पेशेंट है ना जो एल्डरली पेशेंट जिसमें हर्पिस जोस्टर देखा गया, हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फर्स्ट डिविजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इट इज़ रेफर टू एज हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट डिवीज़न है ट्राइजेमिनल नर्व का, वो कौन सा डिवीज़न है, ऑप्थेल्मिक डिवीज़न, है ना। और हम लोग यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जब भी ट्राइजेमिनल नर्व का फर्स्ट डिवीज़न इन्वॉल्व कर लेगा कौन, वेरिसेला जोस्टर वायरस, कब, ड्यूरिंग रीएक्टिवेशन इन एल्डरली, है ना, इम्यूनोडिफिशियंट पेशेंट, तो वैसे सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस बोलेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, कौन सा गैंग्लियन में वो रेस्ट करता है या फिर जो ऑप्थेल्मिक है ना हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस वो कॉज कराता है, तो कौन से गैंग्लियन से एक्टिवेशन होता है, दैट इज गैसेरियन गैंग्लियन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जेमिनल नर्व का जो डिवीज़न है ना वो हमें क्लियर कट पता होना चाहिए, तो आगे थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नाम में लगा है ट्राई, तो कितना डिवीज़न होगा, टोटल 3 डिवीज़न, ठीक है। जो फर्स्ट डिवीज़न उसे हम लोग ऑप्थेल्मिक डिवीज़न बोलते हैं, सेकंड को मैक्सिलरी बोलते हैं और थर्ड को मैंडिबुलर बोलते हैं। ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी ये कंप्लीट सेंसरी है, और मैंडिबुलर सेंसरी एज वेल एज मोटर है, ठीक है। तो बेसिकली इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है। आप अपना फिंगर है ना, अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइस पे रखो, ठीक है। आइस पे रखा तो सबसे पहले कौन सा डिवीज़न हो गया, ऑप्थेल्मिक डिवीज़न, उसके बाद नीचे आते हैं तो किस पे आ गए हम लोग, मैक्सिला पे, तो ये सेकंड ब्रांच हो गया, दैट इज़ मैक्सिलरी डिवीज़न। उसके बाद नीचे आएंगे तो किस पे आ जाएंगे, मैंडिबल पे, तो ये कौन सा डिवीज़न हो गया, दैट इज़ थर्ड डिवीज़न या थर्ड ब्रांच, दैट इज़ मैंडिबुलर। तो याद करना बहुत आसान है, आप आई पे फिंगर रखो और वहाँ से ड्रिफ्ट करते जाओ नीचे, तो तीनों डिवीज़न आप आराम से याद कर सकते हो। तो इस तरह से आप कभी नहीं बोलोगे क्या ट्राइजेमिनल नर्व का कौन कौन सा ब्रांच होता है। तो बेसिकली जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है ना, इसका 3 डिवीज़न होता है, दैट इज़ लैक्रिमल, फ्रंटल एंड नेसोसिलियरी, ठीक है। तो जो फ्रंटल डिवीज़न है ना ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नर्व का, है ना, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है किसमें, हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस में। एक हचिनसन साहब थे, उन्होंने एक रूल दिया, ठीक है, वो बोले कि अगर टिप ऑफ नोज का इन्वॉल्वमेंट हो गया हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस में, ठीक है ना, तो बेसिकली टिप ऑफ नोज को सप्लाई कौन करता है, टिप ऑफ नोज को सप्लाई करता है एक्सटर्नल नेसल नर्व, और ये एक्सटर्नल नेसल नर्व है, ये टर्मिनल ब्रांच ऑफ नेसोसिलियरी नर्व है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर टिप ऑफ नोज इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब ये है क्या, जो ऑक्युलर इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया है ना, और ये थोड़ा डेंजर साइन है, ठीक है, ये डेंजरस साइन है। तो देखिए बेसिकली उस टाइम पर इन्होंने बोला तो बहुत बड़ी बात है, इसे बहुत ईजिली हम लोग समझ सकते हैं ना, जो सबसे पेरिफेरल ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व का, ठीक है, दैट इज नेसोसिलियरी, ठीक है ना। तो अगर नेसोसिलियरी नर्व को इन्वॉल्व कर ले, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन सबसे दूर तक पहुंच चुका है ना, मोस्ट पेरिफेरी में अगर कोई भी चीज़ हमें मिल रहा है ना किसी भी नर्व का, इसका मतलब इन्फेक्शन क्या है, बहुत डिस्टेंट तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब अगर इन्फेक्शन डिस्टेंट तक पहुंच चुका है, तो ऑक्युलर इन्वॉल्वमेंट भी वाजिब सी बात है कि बहुत ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो उसी को बस हचिनसन साहब ने कोट कर दिया कि इन हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टिप ऑफ द नोज दैट इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल नेजल नर्व ए टर्मिनल ब्रांच ऑफ नेसोसिलियरी नर्व सिग्निफाई इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑक्युलर इन्वॉल्वमेंट। अभी जो हम लोगों ने हचिनसन रूल की बात की, वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। अब जो लीजन होता है ना हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस का, वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द वन साइड ऑफ द मिड लाइन ऑफ द फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आप इमेज देख रहे हो, आपको एक साइड लीजन दिख रहा है ना, वन साइड ऑफ फेस में दिख रहा है, मिड लाइन ऑफ फेस में दिख रहा है, इसका मतलब
दैट लीजन इज ड्यू टू हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। अभी हम लोग सेकंड वीडियो में इमेज भी देखेंगे, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी कारण से अगर सेलुलर इम्यूनिटी वीक होता है ना पेशेंट में, तो रिएक्टिवेशन हो जाएगा और हमें हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस देखने के लिए मिलता है। तो कहाँ कहाँ पे सेलुलर इम्यूनिटी डिप्रेस हो जाता है, दैट इज डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, ल्यूकेमिया, एड्स, इम्यूनो सप्रेस्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड लिम्फोमा, दैट इज हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया ना, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में जो ऑक्युलर मैनिफेस्टेशन दिखता है वो क्या दिखता है, दैट इज हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, ठीक है। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आप अपने से बना करके लिख सकते हैं। बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो बेसिकली हमें तीन हेडिंग में क्लिनिकल फीचर्स पढ़ना होता है, एक तो जनरल, दूसरा क्यूटेनियस, तीसरा ऑक्युलर। ऑक्युलर लीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें बताऊँ, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन जो आता है वो यही से आता है ना, जनरल फीचर्स और क्यूटेनियस लीजन से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो जनरल फीचर में क्या होगा, देयर इज सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, वही चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलेगा, फीवर, मलेस, है ना, एंड देर इज ए सीवियर न्यूरलजिक पेन अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द इन्वॉल्व नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देर इज ए सीवियर न्यूरलजिक पेन अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द इन्वॉल्व नर्व। बात करते हैं क्यूटेनियस लीजन की, ये कैरेक्टरिस्टिकली आपको दिख जाएगा ना, आफ्टर 3 to 4 days वेसिकल्स अपियर अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द अफेक्टेड नर्व, ठीक है। तो जो कोर्स है ना अफेक्टेड नर्व का, उसके अलॉन्ग से क्या होगा, वेसिकल्स आपको मिलेगा, कितना, 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है। ऑक्युलर लीजन हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।